Oh, yes. हेलो हेलो, गुड इवनिंग. कैन यू ऑल सी मी? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, गुड इवनिंग. हेलो, एम आई ऑडिबल? आप सबको मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन, सत श्री अकाल, आदाब. मैं रीटा चुग नई दिल्ली से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी कुछ हिंदी की रचनाएं. सबसे पहले गगनदीप जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए. विविंग ड्रीम्स एक बहुत ही प्रतिष्ठित समूह है और इसके साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं. बहुत महान व्यक्ति, बहुत महान पर्सनैलिटीज़ जुड़ी हुई हैं. तो विविंग ड्रीम्स के साथ मैं चाहूँगी और भी आप लोग भी जुड़िए. इसकी फाउंडर हैं डॉक्टर गगनदीप. डॉक्टर गगनदीप की जाए वो कम है. शी इज वेरी स्वीट, लविंग, अफेक्शनेट, डायनेमिक एंड वेरी टैलेंटेड. बहुत ही स्वभाव की हैं वो. और वीविंग ड्रीम्स द्वारा डॉक्टर गगनदीप कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स हमेशा देती ही रहती हैं. जैसे कि आजकल भी इंग्लिश की वो टीचिंग करती हैं ऑनलाइन, बच्चों को पंजाबी से, हिंदी से इंग्लिश सिखाती हैं. और कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट भी चलते ही रहते हैं, पोइट्री कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं. तो वीविंग ड्रीम इज़ अ वेरी ग्रेट एंड अ वेरी नाइस फोरम. सो आई थिंक एवरी वन शुड ज्वाइन दिस फोरम. एंड जब जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से भी इसमें ऑनलाइन प्रोग्राम्स काफ़ी होते रहते हैं. इसमें जैसे कि वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, ये सब भी चलते रहते हैं. और इसमें बहुत ही महान पर्सनालिटीज़ जुड़ी रहती हैं, उनकी इंटरव्यूज़ भी आती हैं और उन सबको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है. सो आई विश विविंग ड्रीम्स अ वेरी ग्रेट सक्सेस. अब मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगी. मैं रीटा चुग नई दिल्ली से. मैं हिंदी और इंग्लिश की कविताएं लिखती रहती हूँ और जैसे कहते हैं कि मेरे को लिखने का शौक. मैं बचपन से 8th क्लास से ही कविताएं लिखती रहती हूँ और 3-4 लाइनों की कविता करती रहती. फिर स्कूल पढ़ाइयों में, कॉलेज, तो उसमें भी थोड़ा समय देना पड़ता था तो लिखती रहती थी, पर बहुत ज़्यादा था मुझे. और आज मैंने कॉलेज में भी काफ़ी रचनाएं लिखी. फिर जिसको कहते हैं कि वो, मैंने मेरी मम्मी की मृत्यु हुई थी तब मैंने एक बहुत अच्छी उनके ऊपर माँ को श्रद्धांजलि करके रचना एक
बहुत बड़ी रचना लिखी थी और जब गई काफी रचनाएं उसकी याद में रात को दो दो तीन तीन बजे उठकर लिखती थी। फिर उसके बाद में एक बार मेरे जीजा जी हैं जो खन्ना पंजाब में रहते हैं और वो डिलीट की हुई तो वो आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि आप अपनी कोई रचना सुनाइए। तो उनको मैंने दो तीन रचनाएं सुनाई तो वो बोलने लगे कि आप तो बहुत अच्छा लिखते हो, क्यों नहीं आप अपना कोई काव्य संग्रह प्रकाशित करवाते। तब तक मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मुझे भी अपनी कोई पुस्तक या काव्य संग्रह भी प्रकाशित करवाना है। उनके कहने से मेरा मुझे लगा कि मुझे प्रकाशित करवानी चाहिए अपनी कुछ ना कुछ किताबें। तो पिछले साल 2019 में मेरी काव्य संग्रह भोर की भाषा प्रकाशित हुई और मैं उससे इतना खुश हूँ कि बहुत ही लोगों ने उसको सराहा, उसकी समीक्षा भी आई इंटरनेट द्वारा, मुझे ने उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा। तो अब मेरी एक और काव्य संग्रह प्रकाशित होने जा रहा है, आशा है वो इस महीने सितंबर के एंड तक प्रकाशित हो जाएगा। तो उसका नाम है आकाश ख्यालों का। तो उसके बाद अभी मेरी कई साझा काव्य संग्रहों में भी प्रकाशित हुई हैं कविताएं और ई बुक्स में भी मेरी। हेलो, तो मेरी काफ़ी पुस्तकों में मतलब ई बुक्स में भी मेरी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और पत्र पत्रिकाओं में भी मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अभी मुझे कई अवार्ड्स मिले हैं जैसे कि प्राइड ऑफ वुमेन अवार्ड, नारी रत्न अवार्ड, काव्य आराधना अवार्ड और अभी फिलहाल पिछले हफ्ते ही मुझे गुजरात साहित्य अकादमी से भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये थी मेरी छोटी सी एक मेरा परिचय। चार पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी वीविंग ड्रीम्स के लिए। वीविंग ड्रीम्स का मतलब है ख्वाब बुनना, तो उसके बारे में मैं चार पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। ख्वाब जो बुनती हूँ मैं, ख्वाब जो बुनती हूँ मैं उन्हें एक माला में पिरोती हूँ। ख्वाब जो बुनती हूँ मैं उन्हें एक माला में पिरोती हूँ, बांध कर नए शब्दों में उन्हें, बांध कर नए शब्दों में उन्हें आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो अब मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी कुछ रचनाएं, आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगेंगी। तो प्रस्तुत है सबसे पहले मैं आकाश ख्यालों का, मेरी जो नई पुस्तक आ रही है उसी टाइटल पे अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, आकाश ख्यालों का। टिमटिमाते सितारों से जो भरा पड़ा था, टिमटिमाते सितारों से जो भरा पड़ा था, आज वो आकाश ख्यालों का छलक पड़ा है। टिमटिमाते सितारों से जो भरा पड़ा था, आज वो आकाश ख्यालों का छलक पड़ा है। अंदर बाहर यहाँ वहाँ, अंदर बाहर यहाँ वहाँ, कोने कोने में छिपा पड़ा था। अंदर बाहर यहाँ वहाँ, कोने कोने में छिपा पड़ा था। अंकुरित होकर खिलखिलाकर आज वो पल्लवित हुआ है, आज वो आकाश ख्यालों का छलक पड़ा है। भरा पड़ा था प्यार के पलों से, भरा पड़ा था प्यार के पलों से, दरवाज़ा उसने खोल दिया है। भरा पड़ा था प्यार के पलों से, दरवाज़ा उसने खोल दिया है। आज वो आकाश ख्यालों का मधुबन बनकर चमक पड़ा है, आज वो आकाश ख्यालों का छलक पड़ा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर गगनदीप।
थैंक यू रोकी साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शिखा। अब मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी अगली रचना। ऐसा लगता है कि नशा, नशा सब कहते हैं कि एक बुरी आदत होती है, नशा करना अच्छा नहीं होता, लेकिन कोई कोई नशा ऐसा भी होता है जो अच्छा भी लगता है। वो नशा कौन सा हो सकता है, आप लोग सोचिए जी। तो नशा, मैंने ये पोएम लिखी है, जो रचना मेरी नशा, ये सुनिए। लिखना भी एक नशा है, लिखना भी एक नशा है, लोग कहते कला है। लिखना भी एक नशा है, लोग कहते कला है। मन में जो विचार उठते हैं, मन में जो विचार उठते हैं, उनको पिरोने का सिलसिला है। करते करते काम कुछ नए विचार मन में जब उमड़ते घुमड़ते हैं, करते करते काम कुछ मन में जब उमड़ते घुमड़ते हैं, छोड़ छाड़ के तब काम सब, छोड़ छाड़ के तब काम सब उनको पिरोने लग जाते हैं। सुनकर कोई गाथा सहज ही मन में नई बनने लगती है, सुनकर कोई गाथा सहज ही मन में बनने लगती है, जो सुंदर सुंदर शब्दों में कागज पर फिर उतरने लगती है। घर हो या बाहर, घर हो या बाहर, मन में विचार कौंधने लगते हैं। घर हो या बाहर, मन में विचार कौंधने लगते हैं, आधी आधी रात को उठकर लिखने हम लगते हैं। रात दिन इस नशे में हम चूर रहते हैं, रात दिन इस नशे में हम चूर रहते हैं, सफ़ेद पन्नों पर दिल के राज अपने भी बेगाने भी खुलते रहते हैं। हम फिर भी इस नशे में चूर रहते हैं, अजब नशा है ये, अजब नशा है ये, जो चढ़ता है एक बार फिर कभी नहीं उतरता, फिर कभी नहीं उतरता। शुक्रिया उपासना राजपूत जी, अर्चना जुर्ची, थैंक यू सो मच, आई एम हैप्पी यू आर हियर, थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग मी। अब कोरोना के ऊपर काफ़ी लोग, कोरोना की वजह से काफ़ी, मतलब है भी बात ऐसी ही कि थोड़ा सा लोगों को लगता है कि कोरोना है, घरों से नहीं निकल पाते, घरों के अंदर बैठे हैं, और सबको लगता है कि खुशी भी नहीं मिलती है। तो कोरोना के ऊपर मैंने ये एक लिखी है कविता, जिससे कि कोई कोई है जिसको राहत भी मिली है, वो सुनिए राहत किसको मिली है। कैसा ये कोरोना वायरस है आया, कैसा ये कोरोना वायरस है आया, पड़ा है सब पर विपदा का साया। कैसा ये कोरोना वायरस है आया, पड़ा है सब पर विपदा का साया, पर कोई है जिसका मन हर्षाया, पर कोई है जिसका मन हर्षाया, मन ही मन कितना मुस्काया। लगा पड़ा था जिस पर ताला, लगा पड़ा था जिस पर ताला, आज है सबने उसको पहचाना। धूल मिट्टी से सनी पड़ी थी, धूल मिट्टी से सनी पड़ी थी, जालों से भी अटी पड़ी थी, धूल मिट्टी से सनी पड़ी थी, जालों से भी अटी पड़ी थी, पन्ने उसके सूख रहे थे, पन्ने उसके सूख रहे थे, कहीं कहीं से मुरझा रहे थे। दीमक भी घर कर रही थी, दीमक भी घर कर रही थी, छेद भी अनगिनत हो रहे थे। सालों साल परवाह नहीं की जिसकी,
सालों साल परवाह नहीं की जिसकी, दिल से वो भी रो रही थी। समय मिला है सबको आज, समय मिला है सबको आज, खुले हैं बंद अलमारियों के पाट। समय मिला है सबको आज, खुले हैं आज बंद अलमारियों के पाट। निकाल कर पुरानी पुस्तकों को, निकाल कर पुरानी पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया है सबने आज। आखिर कुछ राहत मिली है, आखिर कुछ राहत मिली है, दिल से खोले अपने जज्बात, खुश होकर बोली पुस्तकें अब तो, खुश होकर बोली पुस्तकें अब तो, दिया है सबने मुझको मान, छोड़ दिया था मुझे अकेला, छोड़ दिया था मुझे अकेला, अब हुआ है मेरा भी सवेरा, छोड़ दिया था मुझे अकेला, अब हुआ है मेरा भी सवेरा। मैं नहीं कहती सदा रहे करोना, मैं नहीं कहती सदा रहे करोना, पर अब तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना, तुम मेरा साथ कभी न छोड़ना। तो ये है कि कोरोना से राहत मिली है कुछ पुस्तकों को भी, क्योंकि लोग पुस्तकों को हाथ ही नहीं लगाते, पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो कोरोना में क्या है कि लोग घरों में बैठे हैं और पुस्तकों को निकाल के पढ़ रहे हैं, तो उनको तो राहत मिली है कि हमें भी कोई है कि जो हमारे को पढ़ रहा है। तो इसी उसमें अब लोग कोरोना की वजह से एक दूसरे को मिल नहीं पाते, कितना समय हो गया एक दूसरे के साथ मिल के बैठने को भी, तो लोग तरस जाते हैं कि हम इकट्ठा बैठें, एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख साझा करें। तो उसी विषय में मैंने एक और लिखी है कविता, तो वो सुनिए। आओ बैठें, आओ मिलकर बैठें दो चाय के प्यालों संग, आओ मिलकर बैठें दो चाय के प्यालों संग, कुछ तुम अपनी कहो कुछ मैं अपनी कहूँ, कुछ तुम अपनी कहो कुछ मैं अपनी कहूँ, मिलकर दुख सुख साझा करें, मिलकर दुख सुख साझा करें, आ जाए मिल दिल में ताजगी। कुछ भी भूली बिसरी यादें, कुछ भूली बिसरी यादें, कुछ हवा जैसी ताजी, कुछ भूली बिसरी यादें, कुछ हवा जैसी ताजी, कुछ वजनदार बातें, कुछ वजनदार बातें, कुछ मन को हल्का करने वाली। कुछ मिट जाएं गिले शिकवे और कुछ मन मुटाव हो जाएं खत्म, कुछ मिट जाएं गिले शिकवे कुछ मन मुटाव हो जाएं खत्म, जीवन में जो खो गया है उसको खोजने का करें यतन। एक दूजे का हाथ बटाने को, एक दूजे का साथ निभाने को, एक दूजे का हाथ बटाने को, एक दूजे का साथ निभाने को, ले मशवरा एक दूजे का, ले मशवरा एक दूजे का, मिलकर करें फिर काम एक दूजे का। ना रहे मन में कोई सवाल, ना दिल हो बोझल हर बार, ना रहे मन में कोई सवाल, ना दिल हो बोझल हर बार, समझे और समझाएं एक दूजे को, समझें और समझाएं एक दूजे को, और बढ़े एक दूजे से प्यार। एक सुंदर चाय की प्याली में घुल जाए दुख की कालिख, एक सुंदर चाय की प्याली में घुल जाए दुख की कालिख, हो जाए मन हरा भरा, हो जाए मन हरा भरा, दोस्ती और हो जाए गहरी। आओ मिलकर बैठें दो चाय के प्यालों संग, और मिलकर दुख सुख साझा करें, आ जाए दिल में ताजगी, आ जाए दिल में ताजगी। जी शुक्रिया सुरिंदर कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रचना सूद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। राजेंद्र टोकी जी, आपने बहुत सराहना की मेरी कविताओं की, शुक्रिया आपका।
जी, अब मैं एक रचना ऐसे सुनाने जा रही हूं, एक मैत्री के बारे में। मित्रता हमेशा ही अच्छी होती है, और मित्रता अगर अपने आपस में जिनके साथ होती है हमारी, वो तो अच्छी लगती ही है। कि कुछ मित्रता ऐसे भी होती हैं जो शायद ही कभी किसी ने सोची होंगी, तो मैं उस मित्रता के बारे में आप सबके सामने अपनी ये रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, मैत्री। आँखों की जोड़ी भी क्या जोड़ी है, आँखों की जोड़ी भी क्या जोड़ी है, देख ना पाए एक दूजे को, देख ना पाए एक दूजे को, फिर भी एक दूजे बिन अधूरी है। फासला भी दोनों में एक उंगल भर का है, फासला भी दोनों में एक उंगल भर का है, खेलती हैं एक दूजे संग ये अनोखा खेल। एक ने पलक झपकाई तो दूसरी भी साथ हो ली, एक ने पलक झपकाई तो दूसरी भी साथ हो ली, एक ने खुद को आंसुओं से भिगोया, एक ने खुद को आंसुओं से भिगोया तो दूसरी भी उसकी गांठ खोली, तो दूसरी ने भी उसकी गांठ खोली। एक घर ना देख पाए तो दूसरी राह दिखाए, एक घर ना देख पाए तो दूसरी राह दिखाए, हर पल बिन देखे एक दूजे का साथ निभाए। पता नहीं है कब से इनका ये जन्म जन्म का नाता, पता नहीं कब से है इनका ये जन्म जन्म का नाता, साथ निभाने की कसम कौन है जो इस तरह निभाता। करती हैं शरारत भी मिलजुल कर दोनों, करती हैं शरारत भी मिलजुल कर, कभी प्यार से देखें तो कभी गुस्सा बरसाएं, कभी प्यार से देखें तो कभी गुस्सा बरसाएं, अपनी बात पता नहीं कैसे एक दूजे तक पहुंचा लेती हैं, अपनी बात पता नहीं कैसे एक दूसरे तक पहुंचा लेती हैं, और फिर एक स्वर में उसे कह देती हैं, जो इन नैनों की भाषा समझ जाता है, जो इन नैनों की भाषा समझ जाता है, वो गुले गुलजार हो जाता है। रात को दोनों मिलकर नींद की गोद में सो जाती हैं, रात को दोनों मिलकर नींद की गोद में सो जाती हैं, फिर मीठे सपनों में खो जाती हैं। जागती हैं तो दोनों एक साथ, जागती हैं तो दोनों एक साथ, कैसी मैत्री है ये, कैसी मैत्री है ये भला। कहती हैं एक दूजे से, मैं चलूंगी तुम्हारी संगनी बनकर, सदा तुम्हारा साथ निभाऊंगी, देख लो कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ, देख लो कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ, मरते दम तक साथ निभाऊंगी, मरते दम तक साथ निभाऊंगी। थैंक यू एवरीवन, अर्चना जी थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू रचना जी, थैंक यू राजेंद्र टोकी सी जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब मैत्री की तो बात हो गई, एक और मैत्री है जो मतलब दोस्त तो हैं लेकिन कभी कभी दोस्त अकेले भी पड़ जाते हैं, तो वो अपनी दोस्ती को भी मिस करते हैं कि दोस्त हमारा कहाँ चला गया। तो उसी संदर्भ में प्रस्तुत है मेरी ये रचना, अमावस का दुख। अमावस की रात चंद्रविहीन नभ, अमावस की रात चंद्रविहीन नभ, कितना सूना सूना अंधकार से भरा, कितना सूना सूना अंधकार से भरा, सोचता है क्यों ये दोस्त मुझको छोड़कर चला जाता है, क्यों ये दोस्त कभी कभी मुझको छोड़कर चला जाता है, तब कितना अकेला पड़ जाता हूँ मैं, तब कितना अकेला पड़ जाता हूँ मैं,
कितना सूना सूना, कितना सूना सूना लगता है मुझे, अर्थहीन सा हो जाता हूँ मैं। इसकी चांदनी से चार चांद लग जाते हैं मुझे, इसकी चांदनी से चार चांद लग जाते हैं मुझे, और चमक जाता हूँ मैं, और चमक जाता हूँ मैं, निखर जाता है मेरा अस्तित्व, निखर जाता है मेरा अस्तित्व। काश ऐसा हो मेरा ये दोस्त मुझे कभी ना छोड़ कर जाए, काश ऐसा हो मेरा ये दोस्त मुझे कभी ना छोड़ कर जाए, सदा रहे साथ एक दूसरे का पूरक बनकर, सदा रहें साथ एक दूसरे का पूरक बनकर। तो मित्रता ऐसी है कि मित्रता के बिना सबको अधूरा अधूरा सा लगता है, मित्रता तो सभी को अच्छी लगती है। तो सुनाना चाहूँगी कि आजकल के लोग, जो आजकल का ज़माना है, किस तरह से लोग बदल रहे हैं, कितने लोग बदलते लोग बन गए हैं, वही मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपनी रचना बदलते लोग। थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू रचना जी, थैंक यू सो मच। तो प्रस्तुत है मेरी रचना बदलते लोग। हर तरफ बदलते लोग, बदलता रंग नजर आ रहा है, हर तरफ बदलते लोग, बदलता रंग नजर आ रहा है, जिधर देखो संसार बदलता नजर आ रहा है, हर तरफ बदलते लोग, बदलते रंग नजर आ रहा है, जिधर देखो संसार बदलता नजर आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर घूमते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर घूमते हैं लोग, बहरूपियों का अब धमाल होता जा रहा है। बात बात पर पलट जाना, बात बात पर पलट जाना अपनी ही मनवाना, बात बात पर पलट जाना अपनी ही मनवाना, गिरगट को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। पैसे की दौड़ में सब कुछ भूलता जा रहा है, पैसे की दौड़ में सब कुछ भूलता जा रहा है, घर बार तो क्या अपना चैन भी खोता जा रहा है। बहती नदी के संग बहता जा रहा है, बहती नदी के संग बहता जा रहा है, समुद्र के उफान में डूबता नजर आ रहा है। प्यार मोहब्बत दुनिया में अब कहाँ रही, प्यार मोहब्बत दुनिया में अब कहाँ रही, नफरतों के बीच खुद बोता जा रहा है। घर बार की चिंता छोड़ अपने आप में जीता जा रहा है, घर बार की चिंता छोड़ अपने आप में जीता जा रहा है, अपने पराए का भेद समझे बिन, अपने पराए का भेद समझे बिन अपनों से दूर होता जा रहा है। स्वार्थ में अपने सब कुछ भूल चुका है, स्वार्थ में अपने सब कुछ भूल चुका है, और तो और इंसानियत को भी भूलता जा रहा है। तो देखिए कैसे लोग हैं, इंसानियत भी भूल जाते हैं, आजकल के चेहरे ही गिरगट को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं लोग। झांक कर देखता नहीं अपने दिल में कोई, झांक कर देखता नहीं अपने दिल में कोई, भीड़ चाल के साथ भागता चला जा रहा है। नादान इंसान जानता नहीं, नादान इंसान जानता नहीं, अपनी खुशियां अपने हाथ से ही धोता जा रहा है। तो ये है कि लोग इतने ज़्यादा बदल रहे हैं आज की ज़िंदगी में, और गिरगट को भी पीछे ही छोड़ते जा रहे हैं, इंसानियत का तो नाम ही ख़त्म होता जा रहा है। तो अब मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी एक और रचना, जिसका टाइटल मैं नहीं बोलना चाहती, आप लोग खुद ही उसको समझिए और देखिए कि कैसी
करती है ये। बिन खटखटाए अंदर चला आया, बिन खटखटाए अंदर चला आया, जोर से लिपट कर बहुत रुलाया। बिन खटखटाए अंदर चला आया, जोर से लिपट कर बहुत रुलाया। सुबह से लेकर शाम हो गई, सुबह से लेकर शाम हो गई, पर वो तो बेहिसाब ही आया। पल्लू से झटकते झटकते उसको मैं तो बस परेशान हो गई, पल्लू से झटकते झटकते उसको मैं तो बस परेशान हो गई, पीछा छोड़ो कहते कहते मैं तो बांवरी हो गई। कैसे जाता आखिर वो तो अपना घर जमाने आया था, कैसे जाता आखिर वो तो अपना घर जमाने आया था, मैं ही थी नादान जिसको उसने बड़ा सताया था। आखिर वो तो दुख है साहब, आखिर वो तो दुख है साहब, जिसका अपना ना कोई घर ना कोई ठिकाना है। आखिर वो तो दुख है साहब, जिसका ना कोई अपना घर ना कोई ठिकाना है, कभी यहाँ कभी वहाँ दिन रात दौड़ता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ दिन रात दौड़ता रहता है। अलबत्ता कोशिश करते करते मैंने अपनी सखी को बुलाया, अलबत्ता कोशिश करते करते मैंने अपनी सखी को बुलाया और कहा उसे, आ जाओ कुछ पल के लिए खुशी तुम, आ जाओ कुछ पल के लिए खुशी तुम, आकर इस जंजाल से मेरा पीछा छुड़ाओ। मेरे अंतर मन की आवाज़ सुनकर भागी भागी वो चली आई, मेरे अंतर मन की आवाज़ सुनकर भागी भागी वो चली आई। कैसे घर से दुश्मन को भगाना, रास्ता वो नया ढूंढ लाई। है तो ये मेरा भी दुश्मन, है तो ये मेरा भी दुश्मन, इसको मैं ना टिकने दूंगी, मार मार कर दो चार दिन में इसको मैं फुर कर दूंगी। धक्के देकर जबरन दुख को घर से उसने बाहर निकाला, धक्के देकर मार मार कर जबरन दुख को घर से उसने बाहर निकाला, और खिलखिलाकर हंसकर मेरे मुख पर मुस्कान ले, धन्य हो खुशी तुम कहकर उससे लिपट गई मैं, धन्य हो खुशी तुम कहकर उससे लिपट गई मैं। मेरे घर में खुशियाँ लाई, मेरे घर में खुशियाँ लाई, प्यार से उसके निखर गई मैं। मैं इधर खुशी के साथ निखर रही थी, मैं इधर खुशी के साथ निखर रही थी, उधर दुख मेरे घर से बाहर खड़ा निर्लज्जता से मुस्कुरा रहा था। देखिए दुख कैसा निर्लज्ज होता है, उसको मालूम है कि कभी मेरा मौका फिर से भी आएगा, लेकिन हमारी खुशी जो है वो इतनी अच्छी है कि दुख को धक्के मारकर सदा के लिए विदा कर देती है। लेकिन फिर भी ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, कभी दुख तो कभी सुख, तो ये तो सदा चलता ही आता है। थैंक यू बालिका सेन गुप्ता जी सो मच, थैंक यू सबरबाल सुषमा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू शिखा, थैंक यू राजेंद्र टोकी जी, थैंक यू सो मच। अब समय समाप्ति की ओर जा रहा है, तो मैं एक जो मेरी बहुत पसंदीदा रचना है मैं वो सुनाने जा रही हूँ, उड़ान। मन के बंद पिंजरे में से अब मैं निकलना चाहती हूँ, मन के बंद पिंजरे में से अब मैं निकलना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ स्वच्छंद, उड़ना चाहती हूँ स्वच्छंद, उन हसीन वादियों में जहाँ
उजियारा ही उजियारा हो, ना कोई रोक टोक, ना कोई पर काटने वाला, ना कोई रोक टोक, ना कोई पर काटने वाला, होकर उन्मुक्त उड़ती जाऊं, होकर उन्मुक्त उड़ती जाऊं और छू लूं गगन की ऊंचाइयों को। बैठना चाहती हूं सितारों से घिरे चांद के रथ में, बैठना चाहती हूँ सितारों से घिरे चांद के रथ में, देखूं जहां हजारों मीठे सपने, और सो जाऊं उस प्यार भरी खुशनुमा गोद में। खो जाना चाहती हूँ उस बियाबान जंगल में जहां कोई और ना हो, खो जाना चाहती हूँ उस बियाबान जंगल में जहां कोई और ना हो, बस मैं और मेरी तन्हाई। एक बातें करें एक दूजे से, बातें करें एक दूजे से और पा जाऊं सुकून दुनिया भर का। छू लेना चाहती हूं पहाड़ की उन चोटियों को, छू लेना चाहती हूं पहाड़ की उन चोटियों को जहां से सदा झरने की निर्मल धारा बहती है और भर देती है मन के हर कोने को अपनी शीतलता की लहर से। उतर जाना चाहती हूँ समुद्र की अथाह गहराइयों में, उतर जाना चाहती हूँ समुद्र की अथाह गहराइयों में और ढूंढ लाना चाहती हूँ सच का वो नायाब मोती जिसकी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दे। बह जाना चाहती हूँ झरने के कलकल करते नाद करते उस जल के साथ, और सुनना चाहती हूँ वो अलौकिक ध्वनि जो प्रकृति में हर पल गूंजती है मगर हमें सुनाई नहीं पड़ती। माना चाहती हूँ कुछ लम्हों के लिए मन की असीम शांति, पाना चाहती हूँ कुछ लम्हों के लिए मन की असीम शांति, इसलिए मन के उस बंद पिंजरे में से अब निकलना चाहती हूँ और हो जाना चाहती हूँ स्वच्छंद, और हो जाना चाहती हूँ स्वच्छंद। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सुषमा सबरवाल जी, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय पोयम, थैंक यू राजेंद्र टोकी जी, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू रचना, थैंक यू बालिका। अब जाते जाते बस समय हो गया है, तो जाते जाते चार पंक्तियाँ मैं ये कहना चाहूँगी। लिखती जाऊँ दिन प्रतिदिन, क्योंकि मन नहीं भरता लिखने से, ऐसा शौक है ये कि सदा लिखने का ही मन रहता है, तो उसी पे चार पंक्तियाँ हैं। लिखती जाऊँ दिन प्रतिदिन कभी ना रुकने पाऊँ, लिखती जाऊं दिन प्रतिदिन कभी ना रुकने पाऊं, अंतिम मन के भाव सुनाऊं, मन के भाव सुनाऊं। धन्यवाद, शुक्रिया एवरीवन फॉर बीइंग विद मी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, आप लोगों की एप्रिसिएशन सुनकर, देखकर, कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू अचला, थैंक यू।